अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस और लाजवाब सी रेसिपी। ये है मसाला चाप, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चाप ली है, यहाँ पर एक बॉल लिया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे 200 ग्राम जो है दही डाल देंगे। ये देखिए सारी दही डाल देनी है। उसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जितना हमें नमक लेना है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए उसके बाद हम इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम ये मसाला जो है वो चाप में लगा देंगे। ये देखिए ये सारा मसाला हमने लगा दिया है चाप में। बहुत डिलीशियस रेसिपी है गाइज, आप लोग ज़रूर बनाइए इसे, ट्राई कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, मैं उसमें और जो चाप की रेसिपी है वो भी उसमें ज़रूर डाल दूँगी और मैं इसे अच्छी तरीके से अब चाप में लगा दूँगी। ये देखिए और इसको हमें पूरी रात मतलब ओवर नाइट जो है हमें इसे मैरिनेट करना है। अगर आप लोगों को जल्दी है, अगर आप लोगों को 2 घंटे में इसे पकाना है तो आप इस पे कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट भी लगा सकते हैं तो जिससे ये जल्दी गल जाएगी। ये देखिए हमने पूरी रात चाप को रख दिया था मैरिनेशन के लिए। अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप कच्चा पपीता या कचरी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिला लेंगे क्योंकि मसाला जो है वो पूरी रात रखने की वजह से नीचे बैठ जाता है, तो उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, उसमें ऑयल गरम कर लिया। यहाँ पर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, दालचीनी, ये सारी चीज़ का मैं तड़का दे दूँगी। ये देखिए हल्का सा चलाने के बाद मैं इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज यानी दरदरी पिसी हुई प्याज जो है वो भी ऐड कर दूँगी। तो प्याज का पेस्ट नहीं लेना है, दरदरी प्याज कर लेनी है। ये देखिए अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे कि प्याज बिल्कुल पिंक हो जाए, थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी इसे और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहेगी हर दूसरे दिन। ये देखिए प्याज बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आने लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैरिनेट की हुई हमारी चाप थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए सारी चाप डाल दी है, जो मसाला था वो भी डाल दिया है। अब हम चाप को अच्छी तरीके से भून लेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, ऊपर आ जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से भून लेना है इसे। ये देखिए ऑयल ऊपर आने लगा है, चाप बहुत अच्छी तरीके से भुनने लगी है। ये देखिए दिखाती हूँ आपको और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, रौनक भी इसकी इस देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है और खाने का तो इसका कोई जवाब ही नहीं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 गिलास मैंने पानी डाला है और हल्का सा बस चलाने के बाद मैं इसको 30 मिनट्स के लिए पका लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर और ढकने के बाद। ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये चाप बनके रेडी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है। अगर आप लोगों को और थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद ग्रेवी को थिक कर सकते हैं।
ये देखिए हमारी मसाला चाप बनके रेडी है, बहुत डिलीशियस लग रही है और खाने में भी इसका कोई जवाब नहीं। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।